मणिपुर ने हीरो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है और इसके साथ ही उनकी टीम नेशनल चैंपियन बन गई है वुमेन्स की। मणिपुर ने अपने मैच में रेलवे को 1-0 से हराया और ये गोल किया बाला देवी ने 67वें मिनट में। बाला इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट गोल स्कोरर रही, उन्होंने 21 गोल किए और इसके साथ ही मणिपुर की गोलकीपर पंतोही चानू को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। नित्यानंदिनी वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की टीम ने PGDAV कॉलेज की टीम को 104 रन से हराया और इस जीत के साथ ही उन्होंने द्वीपेंदर भोला मेमोरियल इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की टीम ने 229 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में, जिसमें प्रियांश आर्या ने एक बेहतरीन 49 रन की पारी खेली। प्रियांश दिल्ली अंडर 23 के प्लेयर हैं। अर्जुन ने 32 रन बनाए, संचित सबरवाल ने 31 रन की पारी खेली और वहीं पर PGDAV कॉलेज की तरफ से गेंदबाजी करते हुए योगेश शर्मा को 4 विकेट मिली 30 रन देकर और करणवीर प्रेमी को 1 विकेट मिली 20 रन देकर। डीएवी कॉलेज की टीम 125 रन ही बना पाई 37.3 ओवर में, जिसमें हर्ष नेगी ने 32 रन बनाए, भई ने 28 रन की पारी खेली और वहीं पर सुमित माथुर ने श्रद्धानंद कॉलेज की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट ली 14 रन देकर और मयंक रावत को 3 विकेट मिली 24 रन देकर। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 13वें हरिचंद मेमोरियल अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच के बारे में और यह मैच हुआ था मौलाना आजाद क्लब और ऋषभ पब्लिक स्कूल के बीच में। इसमें मौलाना आजाद की टीम ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 40 ओवर में 240 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें अभिषेक कुमार ने 79 रन की पारी खेली, हर्षुल सरीन ने 57 रन बनाए, निखिल 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे और ऋषभ पब्लिक स्कूल की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अभिषेक को 3 विकेटें मिली 47 रन देकर। इस टारगेट को चेस करते हुए ऋषभ पब्लिक स्कूल की टीम 39 ओवर में 193 रन ही बना पाई और वो ऑल आउट हो गई, जिसमें अभिषेक ने 66 रन की पारी खेली, गौरव शर्मा ने 55 रन बनाए। मौलाना आजाद क्लब की तरफ से गेंदबाजी करते हुए निखिल गांधी ने 4 विकेट ली 30 रन देकर, अक्षय कपूर को 3 विकेट मिली 40 रन देकर, अमिताभ गुप्ता ने 2 विकेट ली 23 रन देकर और हर्षुल सरीन को 1 विकेट मिली 4 रन देकर। इस तरह से मौलाना आजाद की टीम ने इस मैच को 48 रन से जीत लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे निखिल गांधी और फिट प्लेयर ऑफ द मैच मिला अभिषेक उपदेक को। एक बार फिर आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप किसी भी खेल को खेलते हैं, आप उसकी डिटेल्स वीडियो के साथ हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio.dwarka@radiodwarka.com।